मैम यहाँ पे। प्रभात आ रहा है, आ रहा है, रुक जाओ ना, तब तक थोड़ी जमाने को। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, और आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। एंड रेजोल्यूशन तो हमेशा वही रहता है कि हमेशा एक स्टेप अप करने की कोशिश और अच्छा करने की कोशिश। आप सब ने इतना सारा प्यार दिया है, जितना भी मैंने काम किया, और सारा और प्यार चाहिए। सो और मेहनत करना है और काम करना है ताकि आप सबका प्यार मिल सके। दो साल हो गया है और सिचुएशन अच्छी नहीं हो रही है कम्प्लीटली, जो क्लियरली 100% ओके होना चाहिए था दो साल बाद चीज़ों को, वो अभी तक नहीं हुआ है। अभी भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, इतने सारे एक्टर्स की तो न्यूज़ आ ही जाती है एक्चुअली, तो हमको पता है। बाकी तो और भी बहुत सारे लोग होंगे जो स्टिल कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं, वैक्सीनेशन लेने के बाद कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं। तो इट हर्ट्स कि हम लोग कब जो नॉर्मल लाइफ है वो जी पाएंगे फिर से। टॉकिंग अबाउट द वर्क फ्रंट, टेलीविजन की बात करें तो जितने शोज हैं, खासकर प्रोड्यूसर्स की बात करें, तो आर दे विलिंग टू पे द अमाउंट दे वर विलिंग टू पे? देखिए मैं तो नहीं, बिल्कुल जो पैसों में कटौती हुई है वो हुई ही है, और धीरे धीरे आई थिंक चीज़ें बेटर हो रही हैं, चीज़ें चेंज हो रही हैं, बट काम तो रुकता नहीं है, काम होगा। लोगों को एक्टर्स एंटरटेन करेंगे, शोज़ बनाएंगे, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, और आई होप कि जल्दी चीज़ें बेटर हो जाए। लास्टली जस्ट वन थिंग टू आस्क, आई मीन टीवी स्टार्स आर बिकमिंग फिल्म स्टार्स, मृणाल ठाकुर के बारे में जानना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे? आपका भी बहुत बड़ा नाम है टीवी इंडस्ट्री में, व्हेन आर वी गोइंग टू सी यू इन अ बिग फिल्म? सून, आई थिंक, फिंगर्स क्रॉस्ड, सून आई थिंक। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ वेरी गुड प्रोजेक्ट जिससे कि मैं अपना डेब्यू कर सकूँ, और कोई अच्छा कॉन्टेंट जिसके साथ मैं आप सबको दिखाई दूँ बड़े पर्दे पर। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट। मीनवाइल आप साउथ फिल्म मेरी आ रही है वो देखिए, म्यूजिक वीडियोज़ आ रहे हैं वो देखिए। थैंक यू।